मैडम डॉक्टर आसिफ स्पाइनल स्पोर्ट स्पेशलिस्ट, आज हम आपको एक केस दिखा रहे हैं जो हमने डिस्क प्रॉब्लम के लिए इनका ट्रीटमेंट किया था, ठीक हो गए थे, दोबारा से इनका रिलैप्स किया है। तो इनका जो हमने केस रिव्यू इसीलिए किया है कि अगर कोई डिस्क की प्रॉब्लम है और आप रिकवर कर गए हैं तो उसके बाद आपको थोड़ा सा अपने प्रिकॉशंस लेने होते हैं और थोड़े एक्सरसाइजेस फॉलो करने होते हैं। अगर आप एक्सरसाइज फॉलो नहीं करते हैं और प्रिकॉशन नहीं लेते हैं तो जो भी डिस्क बल्जिंग केसेस हैं जिसमें नर्व कंप्रेशन होता है उसमें रिलैप्स होने के काफी चांसेस होते हैं। आपको पहली बार कब हुआ था डिस्क का प्रॉब्लम? 3 साल पहले। 3 साल पहले, तो 3 साल पहले जब आपने ये कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट कराया था तो 3 साल से ठीक थे आप? बिल्कुल ठीक था। बिल्कुल ठीक है। अभी जो दोबारा पेन हुआ है उसकी क्या वजह हुई? ट्रैवलिंग किया। और कुछ वेट उठा है? पानी का मैंने उठाया था उसके कारण जो है ज्यादा हो गया। पानी का जग उठाया और ट्रैवलिंग किया, इन्हें बाइक और जयपुर गए थे जिसकी वजह से इनको ये दोबारा से प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है। और अभी दोबारा से इनको 10-15 डेज से कितने दिन हो गए? 10-12 दिन पहले इनको पेन स्टार्ट हुआ। आई वाज नॉट हियर, आई वाज ट्रैवलिंग, तो मेरा वेट कर रहे थे कि मैं वापस आऊं तो फिर इन्हें दोबारा ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। तो अभी चलने में दर्द हो रहा है? जब आया था तो चला भी नहीं जा रहा था, अभी थोड़ा पैर में एक में जा रहा है, दोनों में जा रहा है, एक ही में जा रहा है, राइट वाले। अच्छा ठीक, बिल्कुल रिलैक्स रखिए। यहाँ दर्द है दबाने में? नहीं। सेंटर ये, तो ये इनका L5-S1 है। L5-S1 काफी टेंडर है, सोर है, थोड़ा सा भी प्रेस कर रहे हैं तो इनको यहाँ दर्द हो रही है। तो इसीलिए जब ये टेंडर होता है, सोर होता है, तो इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है, नर्व कंप्रेशन दोबारा आ जाता है। तो एक पॉस्चर भी इनका ठीक नहीं है, इनको थोड़ी सी स्ट्रेटनिंग है, लंबर कर्व जो है वो कम है, लॉस ऑफ लंबर कर्व है, तो ये भी एक इशू है इनका। तो रिलैक्स रखिए नेक को, बिल्कुल ढीला रखिए। ये दोनों कंधा, ये दोनों कंधा थोड़ी, बिल्कुल ढीला रखेंगे, कमर को ढीला छोड़िए, लंबा सांस लेके सांस छोड़ेंगे, टाइट, बस बस, पंजा ढीला, बिल्कुल ठीक लग रहा है पहले से? काफी ठीक लग रहा है। बैठ। सो दिस क्लिप इज बेसिकली फॉर द डिस्क बल्ज with nerve compression. If you are suffering with a disc bulge with nerve compression, you should get your chiropractic treatment done. If you have this problem, you have a history of slip disc, or if you have a history of disc bulging, please do take care of yourself and follow the precaution whatever you have been told to do. That don't lift any heavy weight and continue your exercises. That's the key mantra to maintain yourself. Continue your therapeutic exercises so then you can maintain your back muscle. तो अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम है और आपका पेन नहीं जा रहा है तो इट्स बेटर यू विजिट टू अस एंड वी एग्जामिन यू, वी कैन स्टार्ट योर कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो एंड थैंक यू फॉर योर फिजिशियन और वर्क। थैंक यू वेरी मच।